बिफोर वी स्टार्ट, एक टॉपिक हम जैसे स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, तो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन ऐसी चीजें नहीं आएंगी, बट आपसे वो पूछेंगे जंबल सेंटेंसेस, करेक्ट द सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, फाइंड द एरर। तो उसके लिए क्या है, आपको चाहिए हर चीज का बेसिक नॉलेज। तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हमारी शुरुआती जो क्लासेस हैं या शुरुआत के जो हमारे शुरू के लेक्चर्स होंगे उसमें हमारा क्या फोकस होगा कि ये जो बेसिक एस्पेक्ट हैं हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर करें, बीट नाउन, बीट प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, क्योंकि बहुत टाइम हमें लगता है कि वी नो इट, हम सबको लगता है कि मे बी तो ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमें उसका आंसर पता है, बट जनरली इन छोटी छोटी चीजों में हम मिस्टेक कर देते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, बिल्कुल स्टेप वन से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट मूविंग ऑन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स। ओके, किसी को कोई भी डाउट होगा प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स और फिर एक एक करके आई आंसर द क्वेरीज फ्रॉम देयर ओनली। सो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक नाउन। व्हाट इज नाउन एज पर द बेसिक थिंग कि नाउन क्या है। नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा या नाउन क्या है, सबको पता है नाउन का बेसिक नेचर क्या है, इट्स द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थिंग, प्लेस एंड पर्सन। ये बहुत बेसिक और बहुत एलिमेंट्री डेफिनेशन है नाउन की, कि किसी भी ऑब्जेक्ट, थिंग, प्लेस या पर्सन का नाम। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जब हम बात करते हैं, दिस ऑब्जेक्ट कैन बी बोथ मटेरियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक कैसे, कोई ऑब्जेक्ट है सपोज टेबल जिसको आप टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। आइडियलिस्टिक मीन्स कि वो सिर्फ आइडिया के बेस पे है। फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ लव, ना आप लव को टच कर सकते हो, ना उसका कोई फॉर्म या फिगर है, बट आप उसको फील कर सकते हो, तो वो भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, आपके इमोशंस जितने भी होंगे, आप जो फील कर रहे हैं, वो भी पार्ट ऑफ नाउन है। सो नाउन का डोमेन बहुत बड़ा है, तो इसलिए जब भी किसी चीज का डोमेन बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्लब कर देते हैं, उसके कुछ टाइप्स निकाल देते हैं, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही नाउन के भी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास पांच तरह के नाउन्स, नाउन में आपके पास वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर नाउन। As the name suggests, proper, कि जो चीज क्या है, बिल्कुल proper है अपने आप में, जिसमें कोई भी distinction नहीं है, बिल्कुल proper है। जैसे आपका एक नाम है, वो proper नाम है, दिल्ली proper नाम है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिल्ली हो गया, आपका नाम हो गया, इंडिया, ये सब चीजें क्या है, proper है, इसमें कोई भी changes नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है। शिवानी please do not draw on this thing, I might have to throw you out of the class. No disturbances in the class, please. So proper noun, Ashok, India, Delhi. So this is what? कि आपके properly इसके नाम situated है, आपको कोई भी उस पर doubt नहीं है. So these are known as proper noun. एक particular, क्योंकि proper noun की सबसे important चीज है कि वो एक particular चीज की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट एनी सिटी बट दिल्ली, तो आपने एक पर्टिकुलर नाम दिया। हम किसी की बात नहीं कर रहे बट अशोक की बात कर रहे हैं, तो यू आर पिकिंग ऑन द पर्टिकुलर थिंग्स, कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। देन कम नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एज द नेम सजेस्ट कि वो कॉमन है, उसमें कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है, तो कॉमन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी एनीथिंग, एक कॉमन टेबल। टेबल क्या है, अपने आप में एक कॉमन चीज है, उसके लिए आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि ये टेबल ऐसा है, ये टेबल वैसा है। किंग, कोई भी किंग हो सकता है, तो कॉमनली आप उसको किंग बोल रहे हो। लेकिन अगर वो बोलो आप किंग अशोक, तो आप उसको पर्टिकुलर बना रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, प्रॉपर नाम दे रहे हो, तो वो कॉमन से क्या चला गया, पर्टिकुलर में चला गया। देन कम्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स कि आप उसके ग्रुप में डिनोट कर रहे हो। कलेक्टिव मतलब ग्रुप,
कि आप उससे क्या कर रहे हो, कोई ग्रुप डिनोट कर रहे हो, कोई ग्रुप के बारे में बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आर्मी, तो आर्मी किस चीज का ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. तो जहां पे भी आप किसी ग्रुप को अलग अलग नाम से ना बुला के एक उसका कॉमन टर्म यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर एक साथ बैठे हैं तो मैं उसको सीधा क्लास बोल दूंगी, कि सबका स्टूडेंट स्टूडेंट्स ना करके सबको क्या बोलूंगी, इट्स अ क्लास, यू आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे करके. ओके, देन कम्स फोर्थ मटीरियल नाउन. फोर्थ वी हैव मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन में किसी भी मटीरियल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, क्लॉथ, ये सब क्या है, कपड़ा, आयरन, सिल्वर, तो ये किसी ना किसी तरीके का मटीरियल है. सो इसको हम उसको बोलते हैं ये मटीरियल डिनोट कर रहे हैं, मटीरियल नाउन. लास्ट फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स कि आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हैं, उसको आप एब्स्ट्रैक्टली डिफाइन कर रहे हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते बट आप उसको फील कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, यू कैन ओनली फील इट बट यू कैन नॉट टच इट. फॉर एग्जाम्पल हेट, लव, एंगर, हैप्पी, ये सब क्या है, इमोशंस है, आप इनको फील कर सकते हैं बट यू कैन नॉट टच देम. तो ये आपकी कैसे हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये आपके मेजर टाइप ऑफ नाउन्स. एनी डाउट्स इन एनी ऑफ दीज, किसी को किसी में डाउट तो प्लीज लेट मी नो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल पिक इट अप. आपको कोई भी क्वेरी होगा इस रिलेटेड तो आई आंसर देम. ओके, नाउ ये तो सबको आता होगा कि बेसिक नाउन्स का क्या यूज है क्या नहीं. नाउ कम्स द बिहेवियर ऑफ नाउन. ये जो टॉपिक है बिहेवियर ऑफ नाउन, ये ज्यादातर हम लोग मिस कर देते हैं. बिहेवियर ऑफ नाउन्स, बिहेवियर ऑफ नाउन्स का मतलब कि हर नाउन अलग अलग लेवल पे बिहेव करती है अलग अलग तरीके से. फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले ग्रुप वन पढ़ते हैं, इसमें कौन सी नाउन आएगी ग्रुप वन में. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम वो इंक्लूड करेंगे कि जो भी नाउन होगी इसको हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं. एक ऐसे कुछ नाउन ऐसी होती है डिस्पाइट एनीथिंग कुछ भी हो जाए उसका यूजेज कैसा होगा, हमेशा प्लूरल होगा. फॉर इंस्टेंस कि अगर आप उसको सिंगुलर सेंटेंस में भी यूज कर रहे हैं, आई होप यू नो सिंगुलर मीन्स यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंटिटी इन्वॉल्व है एंड एनीथिंग प्लस वन इज प्लूरल, दो या दो से ज्यादा अपने आप प्लूरल हो जाता है. तो ये सिंगुलर और प्लूरल का बेसिक डिस्टिंक्शन है. ओके, तो सिंगुलर नाउन है प्लूरल नाउन. तो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनको आप किसी भी सेंटेंस में यूज करें उनका नेचर हमेशा प्लूरल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल रिचेस, और ये याद रखना रिचेस का मतलब होता है लग्जरी, मनी, और रिच अलग है. रिच और रिचेस इज नॉट द सेम. रिच का मतलब है कि यू आर अ रिच इंडिविजुअल, रिच मैन और वुमेन, कि आप एक अमीर आदमी है, अमीर इंसान है, वो रिच. लेकिन रिचेस अपने आप में टर्म है, रिचेस का मतलब होता है लग्जरी, पैसा. तो आपको लग्जरी, तो रिचेस को हमेशा ES प्लूरल सेंस में ही आप यूज करते हो. ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट्स, eatables, wages, thanks, tongs, socks, valuables. तो ये सब ऐसे ऐसे terms हैं, आपको example दे रही हूं कि इसमें क्या होगा कि जितनी भी आपकी चीजें हैं ये सारी जो नाउन है ये हमेशा हर सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे. आप कभी थैंक नहीं लिखोगे, यू विल ऑल्सो ऑलवेज राइट थैंक्स. तो देखने में थैंक्स प्लूरल है बट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो आप उसको वैसे ही यूज करोगे.
ओके फॉर एग्जाम्पल एक इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं रिचेज वाला ही, ताकि आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि रिचेज वर्ड में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. He has all the riches in the world. इसका क्या मतलब हुआ कि he has all the riches in the world, कि उसके पास दुनिया भर की सारी लग्जरी सारा पैसा है. So he has all the riches in the world. Okay? नेक्स्ट अप इज सीजर्स. फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करना चाहती हूँ सीजर्स, तो सीजर अपने आप में क्या है, कंप्लीट वर्ड है. तो सीजर यूज नहीं करते हो, हमेशा आप उसमें प्लूरल सेंस में एस लगाओगे और उसको यूज करोगे, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, सीजर्स. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स, ना कि सीजर. तो आपने ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा. ओके, देन कम द ग्रुप टू. ग्रुप टू इसका जस्ट अपोजिट, कि कुछ कुछ जो हमारे पास नाउन्स होती है वो हमें लगता है दे लुक लाइक प्लूरल, हमें क्या लगता है कि दे आर प्लूरल इन नेचर. They are plural in nature, but उनका use कैसा होता है, usage कैसा होता है, they are always used in singular sense. Okay? अब इसका example देख लेते हैं. For example, news. न्यूज क्योंकि उसमें एस लगा हुआ है तो हमें क्या लगेगा कि ये प्लूरल वर्ड है, बट न्यूज अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड की तरह यूज होता है, क्योंकि अगर उसका अगर आप प्लूरल सोचोगे तो न्यूज का तो प्लूरल न्यू हो जाना चाहिए, बट न्यू का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम न्यूज. न्यूज मतलब खबर, समाचार. ओके, सो न्यूज, क्लासिक्स, एथलेटिक्स, ओके, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं कि दे आर ऑल सिंगुलर इन देयर यूसेज, जब हम उनको यूज करेंगे देयर विल ऑलवेज बी सिंगुलर, बट हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं सिंगुलर नहीं है ये तो प्लूरल है, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर वर्ड्स. एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज पुट योर क्वेरीज चैट बॉक्स में. Next is group number 3. इसमें क्या होगा, इस ग्रुप में we will use collective nouns. कि हमें लगता है कि ये ग्रुप में है तो ये हमेशा कैसे होते हैं, कलेक्टिव फॉर्म्स में होते हैं, तो इसलिए क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या होंगी, सिंगुलर होंगी, बट बिकॉज वो एक ग्रुप में है सो दे आर ऑलवेज प्लूरल इन नेचर. तो दिखने में आपको लगेगा कि नो नो दे आर सिंगुलर, बट दे आर प्लूरल इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल पीपल, कैटल, पब्लिक, पुलिस, क्लर्जी, फोक,
तो इसका मतलब क्या है कि सारे कलेक्टिव हैं, तो कलेक्टिव के साथ हमेशा आप क्या यूज करोगी, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए, सपोज क्वेश्चन आया है द पुलिस इज लुकिंग इन टू द मैटर, और आपसे बोला जा रहा है कि ये सेंटेंस अब आपको सही करना है, ये करेक्ट द सेंटेंस में आ गया, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि हम हमेशा ऐसे ही इंग्लिश यूज करते आए हैं, बट क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो आपका सेंटेंस जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, द पुलिस आर लुकिंग into the matter, got it? Next, एक और example देख लेते हैं इसका ही। The cattle is grazing इन द फील्ड। अब द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? इट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज कैटल क्या है आपके पास, कैटल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो आपके रियरिंग एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। तो क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है तो इट हैज टू बी प्लूरल। तो आपका आंसर क्या होगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर फोर, उसमें क्या होता है, ये ऐसी वो है ग्रुप जिसको हमेशा आप सिंगुलर ही यूज करोगे। ये वो नाउन्स हैं जिनको आप हमेशा, नो मैटर व्हाट किस सेंटेंस में यूज हो रहा है, they will always be singular. For example, poetry, fuel, infantry, furniture, इंफॉर्मेशन, राइस, लगेज। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा आप सिंगुलर ही यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और उससे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I don't like poetries of Keats. अब ये sentence अगर आपको पेपर में आ जाए और बोला जाए correct the sentences, तो आप कैसे correct करेंगे? The word poetries, क्योंकि ये गलत है, यहाँ पे इस जगह होगा poetry. चाहे एक poetry की बात करें या 1000 poetry की बात करें, the word हमेशा क्या रहेगा, वो poetry ही रहेगा. Okay? गुड। नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर फाइव, कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म हमेशा सेम रहता है, सो दे हैव द सेम सिंगुलर फॉर्म
एंड द सेम प्लूरल फॉर्म. तो उसका सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म से चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल शीप, डियर, मींस, अमेंड्स, स्पाइसेस, क्रॉप्स, कैनन, फिश, सीरीज, स्वाइन, ये सब क्या है कि आपका कभी भी ये चीज नहीं होगा. इन दोनों की फॉर्म क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी. ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं. A series of lectures were delivered on the subject. अब इसमें क्या गलत है? वर, क्यों? क्योंकि सीरीज ऑफ लेक्चर अपने आप में क्या है, सिंगुलर इन नेचर है. तो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा वर्स. अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वर्स डिलीवर्ड ऑन द सब्जेक्ट, क्योंकि उसका फॉर्म हमेशा सेम रहेगा. नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर सिक्स. इसमें क्या होगा, कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो किसी चीज की लेंथ, क्वांटिटी, वेट, नंबर, काउंटिंग, मेजर बताती है. लेंथ हो सकता है, वो कोई ना कोई नंबर बता रही है, कोई वेट हो गया, कोई काउंटिंग नंबर हो गया. उसको एक एक करके क्या कर रही है, वो एक्सप्लेन कर रही है. ओके, तो ऐसे में क्या होगा, आप उनको हमेशा क्या करोगे, जो उनके नंबर्स हैं, जो उनके बाद की नाउन होगी, वो क्या रहेगी, हमेशा अनचेंज रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कई बार लोग ये मिस्टेक करते हैं. द बॉय कॉट सिक्स फीट कोबरा. तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक हुई, द बॉय कॉट अ सिक्स फीट कोबरा. तो ये फीट नहीं होगा, ये क्या होगा, सिक्स फुट. तो आप कभी भी उसको प्लूरल चेंज नहीं करते अगर उससे पहले आपने एक नंबर सर्टेन कर दिया है. अगर किसी नाउन से पहले कोई नंबर यूज हो चुका है जो उस नाउन के लिए ही डिनोट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इस नाउन को सिंगुलर रखोगे. तो वो क्या होगा, अ सिक्स फुट कोबरा, ना कि अ सिक्स फीट कोबरा. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका. इट वाज अ फाइव इयर्स प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई, फाइव इयर्स. तो फाइव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर, ना कि इयर्स. तो एस वहां पे लगाना गलत था. तो इट वाज अ फाइव ईयर प्रोग्राम. गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई. तो कभी भी अगर सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में, करेक्ट द सेंटेंसेस में ये मिस्टेक्स हो, तो आपको ऐसे पिन पॉइंट करके निकालनी है और करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर सेवन. कभी कभार ऐसा होता है कि नाउन का क्या होता है, एक से ज्यादा मीनिंग होता है. तो नाउन कैन हैव टू मीनिंग्स. उसमें से एक मीनिंग क्या हो सकता है, उसका सिंगुलर में हो सकता है, एंड द अदर मीनिंग
फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे और आप लोग क्या करेंगे उसको सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल अब्यूज, तो अब्यूज का सिंगल क्या है? अब्यूज सिंगुलर वर्ड है, इसका सिंगल में मीनिंग क्या है? किसी का रॉन्ग यूज, किसी चीज को आपने गलत यूज किया. या आप कभी कभार क्या होता है इसका एक और मीनिंग है, रीअप्रोच करना, किसी को रिप्रोच करना. बट अब्यूजेस वर्ड का दूसरा मीनिंग क्या है? इविल प्रैक्टिसेस. सो व्हेन यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ इविल प्रैक्टिसेस, ओके, तो प्लूरल में उसका मीनिंग अलग था और उसका सिंगुलर में मीनिंग अलग था. एक और एग्जांपल देखते हैं. फोर्स, फोर्स का सिंगुलर में मीनिंग किसी की ताकत या स्ट्रेंथ की अगर आप बात कर रहे हैं. लेकिन फोर्सेस, देयर आर फोर्सेस ऑन द ग्राउंड. फोर्सेस का मतलब क्या होता है? ट्रूप्स या सोल्जर. तो उसका सिंगुलर में मीनिंग कुछ और था, प्लूरल में उसका मीनिंग चेंज हो गया. ओके, वन मोर एग्जाम्पल, वुड. वुड का मतलब सिंपल सेंस में होता है कोई भी तरह की वुड हो सकती है, टिम्बर, सैंडलवुड, सो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ वुड. व्हेन वी से अबाउट वुड्स, वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट. आई एम लॉस्ट इन टू द वुड्स, मैं वुड्स में खो गया हूं, मतलब मैं एक जंगल में खो गया हूं. तो वुड्स मीन्स जंगल. तो प्लूरल में उसका अलग मीनिंग था, सिंगुलर में अलग मीनिंग था सेम वर्ड का. नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप एट. अब ग्रुप एट में क्या है? कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में भी अलग अलग मीनिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल आर्म, आर्म का मतलब आपकी बॉडी के आर्म्स जो यूज करते हैं आप, अपर लिम्ब एज अ पार्ट ऑफ बॉडी लिम्ब. बट आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है? वेपन. कस्टम, कि ये हमारा कस्टम है. हैबिट, कस्टम्स. कस्टम क्या है ना, कस्टम्स ड्यूटी लग गई तो जो आपका टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे. सो ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है? वो वेरी कर रहा है. व्हाट इट देन नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर नाइन. ग्रुप नंबर नाइन में क्या होगा? कुछ जो नाउन्स होंगे उनका मीनिंग क्या होगा? वो प्लूरल में कुछ और होगा और धीरे धीरे वो करके चेंज हो जाएगा जैसे वो अगर दूसरे सेंस में गया. फॉर एग्जाम्पल एडवाइस, तो एडवाइस का मतलब होता है कोई भी पीस ऑफ काउंसिल, किसी को एडवाइस करना, किसी को काउंसिल करना. बट एडवाइसेस, किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना. गुड, अगर मैं कह रही हूं गुड पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन. बट गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान, थिंग्स, बिलोंगिंग्स, प्रॉपर्टी. तो ये थिंग्स हो गया. सो आपको समझना पड़ेगा कि नाउन का नेचर वर्ड्स के साथ, सेंटेंस के साथ सेम हो जाता है. तो सिर्फ इतना याद रख लेना कि वो नेम ऑफ सब्जेक्ट, प्लेस या थिंग है, वो सफिशिएंट नहीं है. आपको देखना पड़ेगा किस सेंटेंस में उसका नेचर कैसे चेंज हो रहा है. ठीक है, देन लास्ट ग्रुप इज ग्रुप 10. उसमें क्या होता है कि कुछ नाउन्स होती हैं जिसके प्लूरल फॉर्म भी दो होते हैं, बट टू प्लूरल फॉर्म्स, और इन दो प्लूरल फॉर्म का मीनिंग भी डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको. ही इज माई यंगर ब्रदर. तो इसमें क्या था? नाउन क्या है आपके लिए इधर? ब्रदर. तो ब्रदर से आपको क्या समझे आप?
कि वो डायरेक्ट आपके रियल सिबलिंग है या आपके रियल भाई का ब्रदर है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो आपका वो भाई हो गया, तो ये सिंगुलर फॉर्म में नाउन हो गई। अब इसका प्लूरल फॉर्म करना हो तो क्या होगा, वी आर फोर ब्रदर, हम चार भाई हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। अब इस प्लूरल फॉर्म का भी एक और प्लूरल फॉर्म होता है इस नाउन में ब्रदर्स का, जिसे हम बोलते हैं ब्रदर, तो वी आर ब्रदर ऑफ द सेम प्रोफेशन। तो इस ब्रदर से ये वाला ब्रदर डिफरेंट हुआ, ऑल्दो दोनों ब्रदर के क्या है, प्लूरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो गया। कैसे, पहले आपके पास था ब्रदर जो कि नॉर्मल भाई, देन ब्रदर्स उसका फर्स्ट प्लूरल फॉर्म, जिसका मतलब होता है क्या कि आप लोग सेम ही फादर के सन्स हैं, तो यू आर सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, एंड देन कम्स ब्रदर। इसमें क्या है कि आप लोग भाई तो हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपके जो पेरेंट्स है वो सेम हो, तो आपका जो सेमनेस है, जो आपकी सेम भाई बना रही हो आपको, आपको प्रोफेशन हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, बट पेरेंट्स नहीं होंगे। अगर वो सेम पेरेंट्स के हैं तो वो आपके ब्रदर्स यूज होगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हम जनरल इंग्लिश में अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और यूजेज में नहीं लाते, बट जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा करेक्ट द सेंटेंसेस तो आपको इन्हीं चीजों में दिक्कत होगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हम याद नहीं रखते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई सेंटेंस पिक कर रहे हैं। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ पे यहाँ तक, इनकेस है तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल पिक इट ऑन। अब मैं आपकी जो क्वेरीज ही आंसर कर देती हूँ, काफी सारे हैं, क्योंकि ये थे आपके 10 फॉर्म्स ऑफ नाउन। वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस क्लास टू गेट ओवर, तो अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू, थैंक यू के साथ क्या यूज कर रहे हो आप, एक अलग से टर्म यूज कर रहे हो यू, कभी भी आप थैंक नहीं बोलोगे। जब आप थैंक अकेले नहीं बोलोगे तो उसको हमेशा थैंक्स बोलोगे। थैंक यू अपने आप में प्रॉपर वर्ड है, थैंक यू, बट इंडिविजुअली थैंक कुछ नहीं है, तो आपको इंडिविजुअली देखना है, इंडिविजुअली आप कभी भी थैंक नहीं बोलोगे, आप हमेशा थैंक्स बोलोगे। और अगर आपको सिर्फ थैंक बोलना है तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप थैंक यू लगाओगे। ओके, क्वेश्चंस देखिए बेसिक्स नहीं आते हैं, मैं आपको बेसिक्स बिल्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करें। क्वेश्चंस के लिए वर्कशीट्स वगैरह हम लोग सॉल्व करते ही हैं, जो लोग ऑलरेडी कोर्स का पार्ट थे उनको हम लोगों ने वर्कशीट्स दी थी, तो उनको एक बार आप पूछ सकते हैं कि कैसे वो बिल्ड होता है क्वेश्चन धीरे धीरे करके। ओके, एंड सिलेबस में कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सब कुछ कवर करें। योर सिलेबस स्टार्ट्स विद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइड्स, मोडल्स, टेंसेस, जंबल सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, ओके, प्रेपोजिशंस। तो ये आपका लार्जली इन्हीं से चीजों से डील होके आपका सिलेबस आएगा, तो कोशिश करना कि आप लोग ये सब करें। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के लिए खासकर अगर आप बोलते हैं तो आई कैन सेंड यू द नोट्स फॉर दैट वन, उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। ओके,
सो ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट फॉर दिस क्लास टू गेट ओवर. वी विल मीट टुमारो और हम उसको आगे से कॉन्टिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. मीनवाइल प्लीज अगर आपको चाहिए तो रिविजिट दिस वीडियो, मेक श्योर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं. इन केस यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज आई विल आंसर देम इन द नेक्स्ट क्लास. ब्रदर्स किसी चीज का मेजरमेंट नहीं बता रहे, ब्रदर्स मेजरमेंट नहीं है. मैंने बोला था लेंथ होंगी, वेट होगा, कोई नंबर होगा जो किसी चीज की सिग्निफिकेंस बता रहे, डिस्टेंस, मेजरमेंट, इंचेस, जो ऐसी चीज बता रहे. ब्रदर्स कोई डिस्टेंस काउंट नहीं करके नहीं बता रहा, कुछ इंचेस नहीं बता रहा. ओके ओके सो वी विल मीट. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग पूछ लें, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करें. आपको कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो कि आपको चाहिए कि वी गो अ लिटिल स्लो, वी डू इट स्टेप बाय स्टेप. ओके यस निशान, दीज आर रॉन्ग. कि जो लोग फर्नीचर्स या इंफॉर्मेशन, हेयर्स बोलते हैं, ये रॉन्ग लैंग्वेज है. इट इज नेवर हेयर्स, इट इज ऑलवेज हेयर. चाहे आप एक हेयर की बात करें, 1000 बालों की बात करें, इट इज ऑलवेज हेयर. तो ये जो हम लोग हेयर्स बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं, इट इज रॉन्ग इंग्लिश, इट इज नॉट करेक्ट इन ग्रामर. ओके उसकी ग्रामर को सही नहीं करना है.